हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जय प्रकाश तिवारी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो हमारी संबंधित है कक्षा 12 के ग्रह विज्ञान के मॉडल पेपर से, जो कि 2020 और 21 में जो परीक्षाएं होंगी 2021 के में उसके लिए है डिज़ाइन किया गया है। ठीक, आदर्श प्रश्न पत्र है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने आंसर कमेंट में बताएं कि आपके कितने इसमें क्वेश्चन सही हैं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देने होते हैं, वातावरण क्या है? तो वातावरण क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं उसको हम वातावरण कहते हैं। रक्त को छानने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। भोज्य संरक्षण क्या है? भोज्य संरक्षण होता है भोजन को जैसे संरक्षित करना, लंबे समय तक भोजन को संरक्षित करना, खराब होने से बचाना ही भोज्य संरक्षण कहलाता है। वंशानुक्रम किसे कहते हैं? माता पिता एवं पूर्वजों से संतति को प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे माता पिता हैं, जो उनसे गुण उनके बच्चे में जाते हैं उसको हम बोलते हैं वंशानुक्रम। निवेश से आप क्या समझते हैं? धन वृद्धि के लिए आय को विभिन्न बचत योजनाओं में व्यय करना निवेश कहलाता है। फिर है इसके फिल इन द ब्लैंक्स। अग्नाशय से डैश नामक हार्मोन स्रावित होता है, तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके विषय में आप जानते होंगे कि जिसकी जो अगर ये रस न निकले, जो हार्मोन्स न निकले, तो डायबिटीज हो जाता है। डैश कणिकाएँ शरीर की रक्षक कहलाती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएँ जिसको हम WBC बोलते हैं, WBC जो है रक्षक कहलाती हैं। अंडाशय से डैश हार्मोन्स स्रावित होते हैं, तो अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं, स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन। कपड़ा काटने से पूर्व डैश कर लेना चाहिए, तो कपड़ा काटने से पूर्व ड्राफ्टिंग और धो लेना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर की गति 1 मिनट में कितनी होती है? तो 18 से 20 बार होती है। श्वसन की गति, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं आप श्वसन की गति को हृदय की गति समझ रहे हो, तो ये है श्वसन की गति, 18 से 20 बार जो है श्वसन की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प का, अस्तर का प्रयोग करते हैं। अस्तर का प्रयोग किस में करते हैं? कपड़ा मोटा होता है, पतला होता है, खुरदरा होता है, कब करते हैं? जब कपड़ा पतला होता है तब अस्तर का प्रयोग करते हैं। पीयूष ग्रंथि के अनुभाग से स्रावित हार्मोन है, जो पीयूष ग्रंथि का अनुभाग है उससे स्रावित हार्मोन्स क्या होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। जिस चेक में प्राप्तकर्ता के सामने वाहक लिखा जाता है वह चेक कहलाता है। वह चेक जो होता है वाहक चेक होता है, वाहक चेक इसको बोलते हैं। परिवार के व्यय को बांटा जा सकता है, परिवार के व्यय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। सर्वोत्तम बजट है, बजट है मतलब सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है? बचत का बजट, संतुलित या घाटे, तो बचत का बजट जो होता है सर्वोत्तम बजट कहलाता है। सही जोड़े मिलाओ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल जो एग्जाम का पेपर पैटर्न होता है उसी के हिसाब से पेपर को डिजाइन किया गया है। सेम वैसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें और अगर पसंद आता है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। सही जोड़े हैं खेसरी दाल। खेसरी दाल को किस में मिलाना है? तो ये आएगा लेथरीज में। फिर है लाल मिर्च, इसको मिलाओगे ईंट का चूरा, मतलब जब मिलावट करने के लिए लाल मिर्च में लोग ईंट का चूरा मिला देते हैं। काली मिर्च में क्या करते हैं? पपीते के बीज मिला देते हैं। अचार में क्या करते हैं? हल्दी नमक मिलाते हैं। और चावल में क्या करते हैं? तेल नमक मिलाते हैं। श्वसन के मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखिए या शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, मनुष्य के श्वसन अंग कौन से होते हैं? नासिका, गला, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएँ, वायुकोश, फेफड़े, वक्षस्थल का पिंजरा और डायफ्राम, ये सब होते हैं। शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। इसको आप खुद करिए क्योंकि बोलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम एवं कार्य लिखिए। तो कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? और थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? वृद्धि हार्मोन जो कि शरीर की वृद्धि करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध के स्रावण में मदद करता है, फिर थायरोट्रोफिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि का नियमन करता है, फिर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जनन ग्रंथि का नियमन। ऐसे कुछ थायराइड ग्रंथि से भी
हार्मोन्स निकलते हैं, उपापचयी दर को नियंत्रित करना, आंत में ग्लूकोज के अवशोषण की दर बढ़ाना, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना, हृदय स्पंदन दर बढ़ाना, कोशिकाओं में आधार उपापचयी दर बढ़ाना। तो ये हैं जो हार्मोन निकलते हैं थायराइड ग्रंथि के, उसके कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी का तापक्रम लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रोगी को आहार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में, भोजन में साग भाजी के महत्व को समझाओ, जो भोजन में साग भाजी खाते हैं उसका क्या महत्व होता है। हरी सब्जियां पाचक तथा पूर्ण ऊर्जा प्रदान करती हैं, हरी सब्जियां रेशेदार होती हैं जिससे आंतों में क्रमानुकंचन गति होती है। हरी सब्जियां क्या होती हैं कि उनमें जो है रफेज होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, इनसे विटामिन ए बी सी आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत लाभप्रद होते हैं। क्वेश्चन है, दालों में अनाजों के अंकुरित करने पर उनके पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल आप जानते ही होंगे कि अगर दालों और अनाजों को अगर अंकुरित करके खाया जाए तो इनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा जो है फायदेमंद होते हैं ये। वंशानुक्रम पर प्रभाव डालने वाले कारकों को बताइए और बाह्य वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो वंशानुक्रम में कौन कौन से कारक जो है प्रभाव डालते हैं ये बताना है, और बाह्य वातावरण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं ये बताना है। तो वंशानुक्रम में कारक प्रभाव डालने वाले कौन से कारक हैं, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक, भौतिक कारक, इनका संक्षिप्त वर्णन आप खुद कर सकते हैं। फिर ऐसे ही बाह्य वातावरण क्या होते हैं प्रभावित करने वाले, भौतिक वातावरण जलवायु, भोजन, शुद्ध वायु तथा सूर्य का प्रकाश, मानवीय वातावरण होते हैं परिवार, आस पड़ोस आदि, इनको हम बोलते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग के लिए आवश्यक उपकरण का नाम लिखिए या पेपर पैटर्न करने के क्या लाभ हैं समझाइए। तो पिन, मिल्टन, क्लॉथ, लकड़ी की मेज, गुनिया, फेंच वर्क, फुटा, कंपास, मोम, चाक, बड़ी कैंची, मिट्टी टेप, ये सब जो होते हैं ड्राफ्टिंग के काम आते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है पेपर पैटर्न, कागज़ का बना होने के कारण सस्ता पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसान होता है, कपड़े का अंदाज लगता है, तो इस तरीके के होते हैं। फिर हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इन दो में से एक क्वेश्चन करना है। तो आप इसमें चित्र बना के उसका नामांकित चित्र बना सकते हैं। भोज्य संरक्षण का महत्व बताइए। तो भोज्य संरक्षण अभी जैसे कि एक वन वर्ड में आया था, आपको बताया था कि भोजन को संरक्षित करना लंबे समय तक के लिए, भोज्य संरक्षण की विविध विधियाँ कौन सी हैं। तो क्वेश्चन लगभग सेम ही रहते हैं, आप देख रहे हैं दोनों सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है इनमें, तो आप इनको भी कर सकते हैं। भोज्य संरक्षण का महत्व क्या होता है, मौसम के अनुसार लंबे समय तक, अगर मौसम के अनुसार लंबे समय तक रखना है तो भोज्य संरक्षण करना पड़ता है। जैसे अचार वगैरह का संरक्षण किया जाता है, आप लोग देखते ही होंगे, भोज्य पदार्थ को संरक्षित करने में समय, ईंधन व धन की बचत होती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़ आदि के समय संरक्षित खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। भोज्य संरक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, उष्णता के निष्कासन द्वारा और आर्द्रता के निष्कासन द्वारा, हवा के निष्कासन द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा, नमक, तेल, शक्कर द्वारा, मतलब इन सब चीज़ों के द्वारा जो भोज्य संरक्षण होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको संरक्षित किया जा सकता है। मिलावट का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और मिलावट के क्या कारण हैं समझाइए। ये हैं इनके जो मिलावट किया हुआ खाना खाते हैं उसका क्या फर्क पड़ता है शरीर पर, मिलावट के कारण क्या हैं। फिर है बजट का क्या महत्व है और साधनों की विशेषताएँ बताइए। तो बजट का क्या महत्व होता है, व्यय पर नियंत्रण होता है, बजट में बचत हो जाती है, ऋण से मुक्ति मिलती है, आय व्यय का संतुलन रहता है, कम खर्च की आदत पड़ती है, हिसाब से नियमितता बरतनी पड़ती है, पूर्व निश्चित योजना रहती है, मूल्यांकन होता है। फिर है साधनों की विशेषताएं, समस्त साधन लाभप्रद, सभी साधन सीमित होते हैं। तो इस तरीके के इसके कुछ क्वेश्चन बनेंगे आंसर। कुपोषण के कारणों की व्याख्या कीजिए और दूध एक संपूर्ण आहार है इस कथन की व्याख्या कीजिए। कुपोषण क्या होता है, शरीर को अगर सभी जो पौष्टिक तत्व हैं अगर उचित मात्रा में नहीं मिल पाते तो उसको हम कुपोषण का हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, और दूध एक संपूर्ण आहार है इस पर बताना है आपको, ये कथन की में व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे 16 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स के लिए, मतलब जो होम साइंस के एग्जाम हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार जो हमारे वायरल पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहें, आपको मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे।